नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दो नए जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूँ जो कि ESIC के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूँ, ESIC का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि ESIC के द्वारा जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट होगी वो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाली है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो जो दो पोस्ट है जिनकी घोषणा की गई है वो है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा एंड मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा, इनके लिए यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। और वो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर स्टैचरी स्टेट बोर्ड या फिर काउंसिल या फिर फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन या फिर इसके इक्विवेलेंट की किसी भी इंडियन सेंट्रल काउंसिल एक्ट के अंडर, इंडियन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मेंशन है कि आपकी एनरोलमेंट होनी चाहिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन। साथ ही जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी इनरोलमेंट होनी चाहिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन और स्टेट रजिस्टर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। जो यहाँ पे हमारी दूसरी पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी, इनके लिए यहाँ पे कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। और वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए होम्योपैथी की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, स्टैचरी स्टेट बोर्ड, काउंसिल, फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिसिन या फिर इसके इक्विवेलेंट की अंडर, होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। साथ ही आपकी एनरोलमेंट होनी चाहिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ होम्योपैथी और स्टेट रजिस्टर होम्योपैथी में। आप देख सकते हो क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू है तो यहाँ पे आपके लिए एक प्लेस ऑफ इंटरव्यू मेंशन की गई है। ये जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है वो है ESIC हॉस्पिटल, सेक्टर 3, प्लॉट नंबर 41, IMT मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा। गाइस आप देख सकते हो आपके लिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए वेन्यू दी गई है। आपको दिए गए इस एड्रेस पे दिए गए डेट पे आपको पहुंचना है। साथ ही आपको डेट के बारे में और इसके बाकी सारे जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको नीचे बताने जा रही हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। साथ ही आप जब यहाँ नीचे आओगे आप देख सकते हो अटैचमेंट सेक्शन में यहाँ पे दो अटैचमेंट है। ये जो आज वीडियो बनी है वो बेसिकली आपके लिए इसलिए बनी है क्योंकि इसमें ये जो इंडियन मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी के लिए जो ESIC के द्वारा घोषित की गई थी डेट इंटरव्यू के लिए वो कैंसिल कर दी गई है। और साथ ही आपको इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको यहाँ इस अटैचमेंट सेक्शन से बताने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये जो सेकेंड अटैचमेंट है ऑफिशियल इंटरव्यू कैंसिलेशन नोटिस, जब आप इसे यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिस में मेंशन है कि जो आपके लिए जो डेट रखी गई थी 24th मार्च 2022 थर्सडे को, यानी कि आपके लिए जो डेट रखी गई थी ESIC हॉस्पिटल मानेसर डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा के लिए 24th मार्च 2022 को, उसे पोस्टपोन कर दी गई है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेंसीज। तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद रखें। और आप यहाँ पे मेंशन है कि जो न्यू डेट है वो जल्द से जल्द कोर्स ऑफ टाइम के बीच में आपको इंटीमिडेट की जाएगी। और साथ में आपको बताना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज ये डेट बहुत ही सरप्राइजिंगली ये कैंसिल की गई है तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे इससे रिलेटेड जो आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताई जा रही है। पर अगर आपके पास ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस फोरम बटन को क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पे आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपने इन्फॉर्मेशन या फिर आप कुछ भी अपने डिस्कशन के पॉइंट्स मेंशन करते हो वो आपके बाकी फेलो कैंडिडेट्स के पास जाता है और आप उनके साथ अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हो, आप उनके साथ अपने सारे डिस्कशन कर सकते हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर ऐसे न्यूज़ जैसे कि रिजल्ट रिलीज़ या फिर इंटरव्यू कैंसिल, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने डिस्कशन थ्रेड स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो ये लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। ऐसी ही अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।